अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दिल्ली के फेमस राम लड्डू की रेसिपी। अगर आप कभी लाजपत नगर मार्केट गए होंगे तो आपने ये राम लड्डू ज़रूर खाए होंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। वैसे तो दिल्ली में हर जगह पे मिलते हैं ये, लेकिन लाजपत नगर में ये बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत ही टेस्टी मिलते हैं। तो उसी राम लड्डू की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने हाफ कप ली है ये धुली हुई मूँग की दाल, बिना छिलके वाली दाल है ये, इस तरह की दाल आती है। ये हाफ कप ली है मैंने, आधा कप दाल लेनी है। इसको हम एक कटोरी में डाल रहे हैं और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। और इतना ही हमने लेना है चने की दाल, आधा कप चने की दाल, आधा कप मूंग दाल। इन दोनों दाल को हम एक बाउल में डाल के अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो अलग अलग इन्हें वॉश करेंगे, अलग अलग ही हम इनको सोक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दाल अलग अलग वॉश कर ली है अच्छी तरह से, तीन चार बार इसको पानी से वॉश कर लिया है। उसके बाद हम इसमें पानी डाल के इसको सोक करेंगे। तो हम ये अलग अलग इसलिए सोक कर रहे हैं क्योंकि मूंग दाल को फूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चने की दाल को फूलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम दोनों को अलग अलग सोक करेंगे। और जो मूंग की दाल है इसको हम आधा एक घंटे के लिए सोक करेंगे और चने की दाल को तकरीबन दो घंटे के लिए सोक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया इसमें और सोक करने के लिए रख दिया है। दाल हमारी सोक हो रही है तब तक हम एक चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लेना है हरा धनिया, काफ़ी सारा धनिया लेना है आपको, और इसको भी अच्छी तरह से वॉश करके लेना है। ये चटनी जो है राम लड्डू के साथ ही सर्व की जाती है। तीन हरी मिर्च लेनी है इसके लिए, और बिल्कुल उसी तरह की चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जैसी राम लड्डू के साथ सर्व की जाती है। थोड़े से मूली के पत्ते लेंगे। मूली के साथ इस राम लड्डू का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो ये यहाँ पे हमने मूली के पत्ते ले लिए, और तकरीबन चार छोटे चम्मच यहाँ पे आपको लेनी है सेव। तो नमकीन आप यहाँ पे कोई भी बेसन की नमकीन ले सकते हैं, और नमक लेंगे टेस्ट के हिसाब से। आधा छोटी चम्मच मैंने नमक ले लिया है यहाँ पर। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे पीस लिया है। पीसने के बाद हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी हमारी चटनी बन के रेडी हुई है। तो इसको हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। चटनी को हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे एक बड़े नींबू का रस। अगर छोटे नींबू का रस डाल रहे हैं तो आप इसमें तकरीबन 1.5 नींबू का रस डालें। नींबू का रस इसमें अच्छी क्वांटिटी में जाता है क्योंकि ये चटनी हल्की सी खट्टी भी होती है, और जो हम नींबू का रस इसमें ऐड कर रहे हैं इसकी वजह से हमारी जो चटनी है उसका कलर चेंज नहीं होगा, एकदम ग्रीन कलर की हमारी चटनी रहेगी। ये जो बीज हैं इसको निकाल लेते हैं, और बाकी का आधा जो नींबू है उसका रस भी निकाल लेते हैं। नींबू के रस से हमारी जो चटनी है और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी, हल्की सी खट्टी हो जाएगी तो उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो जो बीज हैं इसके अंदर उसको निकाल देंगे और चटनी हमारी बन के रेडी हो गई है। तो इसको रख देते हैं साइड में। चटनी हमने बना ली है, अब हमारी जो दाल है उसको देखते हैं, वो फूल के रेडी हो गई होगी। तो पहले हम मूंग की दाल को देखेंगे क्योंकि वो आधे घंटे में ही फूल के रेडी हो जाएगी। तो मूंग दाल से हम पानी निकाल के इसको हम एक जार में डाल के पीस लेंगे, मिक्सी के जार में डालेंगे और पीस लेंगे। तो यहाँ पे मूंग दाल को हमने पीस लिया है। इसे पीसने में आपको पानी का यूज़ नहीं करना है, एक आध चम्मच पानी आप इसमें डाल सकते हैं अगर ये पीसने में दिक्कत होती है तो। ये मैंने चना दाल पीस ली है, चना दाल को अलग से पीसा है और मूंग दाल को अलग से। तो दोनों को मिक्स कर लेते हैं। दाल को पीसते वक्त आपको पानी यूज़ नहीं करना है, आप कोशिश करें बिना पानी के पीसें, लेकिन अगर आपको पीसने में दिक्कत होती है एक आध चम्मच आप पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दाल को पीस लिया है। अब हम दाल को मिक्स करके अच्छी तरह से फेंटेंगे। मैं यहाँ पे स्पून से ही फेंट रही हूँ। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से चलाते हुए एक डायरेक्शन में हम इसे फेंटेंगे। तो दाल का बैटर है उसके अंदर हमें एक बहुत ही अच्छी सी एयर फॉर्म करनी है, एयर इसके अंदर काफ़ी सारी हमको इनकॉर्पोरेट करनी है। ये देखिए इसको चलाते रहेंगे तो इसमें काफ़ी सारी एयर भर जाएगी जिसकी वजह से ये लाइट हो जाएगी। ये देखिए इसका कलर जो है काफ़ी लाइट हो गया पहले से, और ये काफ़ी हल्की भी हो गई है। तो इसको थोड़ा सा और फेंट लेती हूँ। ये देखिए जब आप ऊपर से इसे इस तरह से गिराएंगे तो ये आपको काफ़ी हल्की लगेगी। तो बस ये हमारी दाल रेडी हो चुकी है। इसको मैंने 2 मिनट के लिए और फेंट लिया था। इसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। दाल हमारी रेडी हो चुकी है तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं ये जो हमने चटनी बनाई थी
इस चटनी में से हम यहाँ पे एक छोटी चम्मच के करीब चटनी ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लेंगे। थोड़ी सी चटनी मैंने और एक्स्ट्रा ऐड कर ली है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ में ही नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तीन चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे कलर के लिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें। थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे इसमें हम, हल्दी से इसका कलर अच्छा आएगा। हल्दी डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसके राम लड्डू बनाने शुरू करेंगे। बैटर हमारा रेडी हो गया है, आपको इस तरह से साइड से बैटर लेना है हल्के गीले हाथ करके और इस तरह से ऑयल के अंदर छोड़ते जाना है। तो एक साइड से ही आप निकालें, आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया है, अब हमने मीडियम फ्लेम कर दिया इसकी। इसके बाद हम इसमें छोटे छोटे राम लड्डू यानी कि पकौड़े बना रहे हैं। राम लड्डू को आपको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह सकते हैं, इसलिए आपको मीडियम फ्लेम करके ही इन्हें फ्राई करना है। तो यहाँ पे हम राम लड्डू को एकदम से फुल फ्राई नहीं करेंगे, हम इसको हल्का सा कच्चा पक्का निकालेंगे, यानी कि थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। इस स्टेज पे मैं इसको निकालूंगी। तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेंगे और उसके बाद हम दूसरा बैच फ्राई करेंगे। तो ये जो हैं हमारे राम लड्डू जो हैं, इनको हम निकाल के रख देंगे तो ये अपनी स्टीम में थोड़े से और कुक हो जाएंगे और उसके बाद हम इनको फिर से फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे ऊपर से और अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। तो जो मार्केट में जो राम लड्डू बेचते हैं वो लोग भी ऐसे ही कच्चे पक्के बना के रखते हैं और उसके बाद जब ऑर्डर आता है कोई उनके पास तो उसको फ्राई करके फिर से गर्म करके देते हैं, तो हम लोग भी उसी तरह से इसे फ्राई करेंगे। तो दूसरा बैच में यहाँ डाल रही हूँ, इसको भी एक बार में निकाल लेते हैं। दूसरे बैच में आप देख रहे होंगे मैं पकौड़े थोड़े बड़े बड़े बना रही हूँ, तो पकौड़े यहाँ पर बड़े डालने से थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा हो जाएगा और ये बड़े बड़े राम लड्डू हमारे दिखाई देंगे जैसे मार्केट में मिलते हैं बिल्कुल उसी तरह के। तो यहाँ पे मैंने थोड़े बड़े बड़े राम लड्डू बनाए हैं तो इसको भी हम कच्चा पक्का करके निकाल लेंगे। तो ये भी तैयार हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं और उसके बाद हम जो हमने पहले फ्राई किए थे उसको हम इसमें ऑयल में डाल देंगे और फिर से हम उसे फ्राई कर लेंगे। तो इस बार जो फ्राई होंगे वो बिल्कुल रेडी, हमारे राम लड्डू रेडी हो जाएंगे बनके। तो यहाँ पर हम इसे 2-3 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे, फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। ये देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक आपको फ्राई करना है। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इस पर और ये काफ़ी क्रिस्पी भी नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से अच्छा सा कलर आने तक आप इसे फ्राई कर लें। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे राम लड्डू बनके रेडी हो गए हैं, इसको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में, बाकी के बचे हुए भी हम इस ऑयल में डाल के फ्राई कर लेते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से आप इस तरह से राम लड्डू घर पर बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है ये मूली को ग्रेट कर लिया है, एक मूली ली है उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ और थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें नमक या चाट मसाला पाउडर डाल सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमारी चटनी में काफ़ी नमक है, स्पाइसी है। अब मैंने यहाँ पे चटनी में थोड़ा सा पानी डाल लिया है क्योंकि वो जो चटनी होती है मार्केट में जो मिलती है वो थोड़ी सी पतली होती है। तो यहाँ पे हमने चटनी को कर लिया थोड़ा पतला, अब हम इसको करेंगे सर्व। तो राम लड्डू को मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ अंदर से भी बाहर से भी। ये देखिए कितने स्पॉन्जी से बने हैं, जैसे बिल्कुल मार्केट के राम लड्डू होते हैं, अंदर से अच्छी तरह से कुक हैं और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो इस तरह से आप घर पे बिल्कुल मार्केट के जैसे राम लड्डू बना सकते हैं, टेस्ट में बिल्कुल ये मार्केट वाले ही हैं। अब हम इसको मार्केट की स्टाइल में ही सर्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ये ले लिया है पेपर प्लेट और इसके ऊपर डाल देते हैं हम यहाँ पे ये लड्डू, राम लड्डू। तो जितने आपको सर्व करने हो उतने आप सर्व कर लें प्लेट में। उसके बाद हम इस पर डालेंगे थोड़ी सी हरे धनिया की चटनी। इसके बाद हम इस पर डालेंगे हमने जो मूली ग्रेट करके रखी थी धनिया मिला के, वो ऐड करेंगे और उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चटनी डालेंगे। चटनी अच्छी खासी क्वांटिटी में इसमें डलती है
इस चटनी से और जो मूली हमने ग्रेट की है इसकी वजह से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस ये हमारे राम लड्डू बनके रेडी हो गए हैं। तो इसे खाने के लिए आपको लाजपत नगर मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही इसे बना सकते हैं। बिल्कुल मार्केट के जैसे राम लड्डू आप घर पे इजीली बना के तैयार कर सकते हैं, घर में सबको बहुत पसंद आएंगे। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।